हाई एवरीवन, मैं हूं जोबित अनेजा एंड मेरे पास जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके लिए आज एक वीडियो है कि आपको अपनी स्ट्रीम कैसे चूज करनी है। अगर आपको इसके बारे में डाउट है, समझ में नहीं आता है, देन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि आज की डेट में जब मैं फर्स्ट ईयर में हूं, मैंने कॉमर्स ली थी विद मैथ्स, क्यों ली थी उसके बारे में बताऊंगा। एंड मेरे फ्रेंड्स 10th तक जो मेरे साथ थे, जिसने अब आर्ट्स ले ली, कॉमर्स ले ली, साइंस ले ली, वो अब कहाँ कहाँ पे हैं, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको क्या लेना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो यार, हर स्ट्रीम के अंदर एक ना एक ऐसा एग्जाम है, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा, जिसके अंदर बहुत कॉम्पिटिशन है। साइंस के अंदर वो एग्जाम है JEE, कॉमर्स के अंदर वो एग्जाम है आपका MBA का, JEE के थ्रू लोग जाते हैं IIT के अंदर, इसके थ्रू जाते हैं IIM के अंदर, एंड आर्ट स्ट्रीम में जो एक फेमस रहता है वो रहता है UPSC। अब मैं ये नहीं कह रहा साइंस वाले MBA नहीं करते, बाद में वो अपना IIT करने के बाद IIM कर लेते हैं, साइंस वाले अपना मे बी IIT करने के बाद वो UPSC में दे दें। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि यार साइंस के स्ट्रीम वाले बच्चे बड़े अच्छे हैं, ठीक है, ये सब कुछ क्लियर कर लेते हैं और इनके पास सब कुछ खुला रहता है ऑप्शन, सो हमें साइंस लेनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो दुखी लोग हैं वो साइंस वाले हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि साइंस कौन लेता है जिसके मन में होता है कि यार मुझे या तो डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे पायलट बनना है, क्योंकि इन चीजों के लिए साइंस कंपलसरी है। एंड जो भी साइंस में जाते हैं और वो अपना पहला मन तो इसी का बना के चलते हैं कि मुझे इसमें से कोई एक चीज बननी है, जो भी उनके मन में होता है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि इस साइंस की फील्ड में इतना ज्यादा सैचुरेशन है आज की डेट में, तो जितने लोग चाहते हैं बनना, उसमें से केवल एक परसेंटेज ऑफ ग्रुप होता है जो कि ये सब क्लियर कर पाता है, अपना एम से डॉक्टरी कर पाता है, अपना IIT से इंजीनियरिंग कर पाता है, या प्रॉपर पायलट बन पाता है किसी अच्छी जगह से। तो ये केवल एक बहुत छोटा चंक होता है। 85% लोग दुखी रहते हैं क्योंकि वो JEE क्लियर नहीं कर पाते, कोचिंग करते हैं उनके JEE क्लियर नहीं होता, या फिर वो अपना एम्स क्लियर नहीं कर पाते, या कुछ और नहीं कर पाते, एंड एट दी एंड वो क्या कर रहे होते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक। यार ऐसी लाइफ आपको क्यों चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनने का बहुत ज्यादा शौक है मेरे हिसाब से, तो ही साइंस को लेना। नहीं तो साइंस में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो बाकी स्ट्रीम्स नहीं दे पाएंगी, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई, ऐसी रेस में मेरे हिसाब से कभी मत भागो जिसमें तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत कम हो, ठीक है। लाइफ का सच है, अगर तुम ऐसी रेस में भागोगे जिसमें ऑलरेडी 1000 लोग भाग रहे हैं एंड उसमें तुम लास्ट आए, तो तुम्हारी रैंक 1000 होगी। अगर तुम ऐसी रेस में भागे जहां पे 5 लोग भाग रहे हैं, उस केस में भी अगर लास्ट आ गए ना, तो तुम्हारी रैंक फिर भी 5th होगी। यहां 1000 रैंक आएगी, यहां 5th रैंक आएगी लास्ट आने पर भी। एंड थोड़ी सी अगर मेहनत कर ली इस रेस में, तो बहुत इजिली 4 लोगों को पछाड़ दोगे, फर्स्ट आ जाओगे। लेकिन यहां पे क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, 1000 में तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं एंड तुमसे ज्यादा अच्छे धुरंधर हैं भागने में, तो शायद तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कोई अच्छी लेवल पे जाने पे इस रेस में। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं मना करता हूँ साइंस लेने से, अगर तुम्हारे में इतना तुम्हें लगता है दमखम नहीं है कि मैं साइंस लेके IIT में जा पाऊंगा, तो यार साइंस में ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स भी अगर बोले तो उनको समझाओ कि ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड फील्ड है, आज की डेट में साइंस में जाने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। मैंने क्यों कॉमर्स ली थी, उसका रीजन यही था, मुझे ना डॉक्टरी करनी थी, ना मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, ना मुझे पायलट बनना था, तो मैंने कहा यार यहाँ जाना ही क्यों फिर। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऐसी कोई चीज नहीं है जो बहुत ईजी हो। अगर आपको लगता है जो आपकी 10th के आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेते हो, अगर उससे आपको लगता है कि मेरे को साइंस बहुत अच्छी लगती है, तो एक बार अपने सीनियर से बात करना, उनसे पूछना कि भैया कैसी होती है साइंस ऑफ क्लास 11th एंड 12th, वो आपको बता देंगे कि वो कितने परेशान है अपनी पीरियोडिक टेबल और बाकी चीजों से। कंपैरेटिवली मैंने कॉमर्स पढ़ी है, कॉमर्स में यार जो सब्जेक्ट है ना बहुत इजी है, जेन्युइनली बहुत इजी है। वो तो पढ़ने वाले हम लोग थोड़े कम हो जाते हैं 11th में, अगर ढंग से पढ़ो तो। मैंने खुद देखा यार साइंस है तो हमारा बर्डन बहुत कई गुना कम था हमारा, सच बात है ये। एंड अगर कॉमर्स में मैथ्स ना लो फिर तो बिल्कुल ही ऐश है। कॉमर्स में साथ में मैथ्स नहीं तो फिर भी पढ़ना पड़ता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, लेकिन कॉमर्स में आपके सारे रटने वाले चीजें हैं, BST हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एंड रटना भी नहीं है यार, मुझे तो इसको पढ़ने में बहुत मजा आता था, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं बहुत ज्यादा। बिजनेस स्टडीज में आपको पढ़ाया जाता है कि एक बिजनेस में अगर आप मैनेजर बनोगे तो आपको किस वे से प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, क्या करना है, यार कितना प्रैक्टिकल चीज है, सोचो एक बार। अगर तुम्हें नहीं बनना साइंस में कुछ ऐसा वैसा, अगर तुम्हें कंपल्शन नहीं है, देन मेरे हिसाब से यार इन चीजों में जाओ, इन चीजों में बहुत ज्यादा
करियर भी छोड़ दो एक बार को, तुम्हारे को बहुत ज्यादा लाइफ की नॉलेज मिल जाएगी बीएसटी अगर पढ़ ली एक बार ढंग से। इकोनॉमिक्स पढ़ ली तो न्यूज में जो आता है इकोनॉमिक्स डेटा वो समझ आना शुरू हो जाएगा। कल को अपने बच्चों को बता पाओगे क्या हो रहा है यहाँ पे न्यूज में, क्या स्टॉक्स हैं, क्या है चीजें। इकोनॉमिक्स से आपका बेसिकली कॉमर्स से बहुत ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा, जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत कम है। एंड जिनको अगर ऐसा लगता है कि कॉमर्स के अंदर अगर हम चले गए तो हमारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे, तो ये आपका भ्रम है बहुत बड़ा। कॉमर्स के अंदर CA, CFA, उसके अलावा आपका मर्चेंट बैंकर, उसके अलावा आपका मैनेजर, जिसके लिए दोनों के लिए आपको MBA करनी पड़ेगी या BBA MBA। सो ये तो वो चीजें होती हैं जैसे आपकी साइंस में होगी डॉक्टरी इंजीनियरिंग वाली। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है, एंड आजकल IPM आ गया जिसके बारे में मेरा पूरा मेन चैनल है, IPM एग्जाम आ गया, आप डायरेक्टली क्लास 12th के बाद जा सकते हो इन वन ऑफ द बिग IIMs। और अब नए नए IIMs अपना प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जितने कॉम्पिटिशन साइंस में हुआ करता था आगे आने वाले टाइम में कॉमर्स में भी हो जाएगा, क्योंकि IIM में जाने का मौका मिल रहा है क्लास 12th। तो जैसे लोगों को पता लगेगा सब लोग यहाँ पे शिफ्ट करना शुरू कर देंगे, आप देख लेना, आपके पास अभी टाइम है। कॉमर्स लो, आप IPM अपना तैयारी करो, IPM आपसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, क्लास 12th के मार्क्स में आपको अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, SRCC, सेंट स्टीफन, वो भी आपको नहीं होता है तो आपका CA है आपके हाथ में, वो भी आपसे नहीं होता है तो CFA है आपके हाथ में, वो भी आपसे नहीं होता है तो उसके बाद आप अपना किसी नॉर्मल कॉलेज से DU में अपना आप अपना BCOM कर सकते हो, BBA कर सकते हो, बाद में CLAT दे सकते हो। CLAT नहीं देना है, सॉरी यहां पे आप CAT दे सकते हो, ये सब भी नहीं करना है, देन आप CLAT दे सकते हो। CLAT क्या होता है? CLAT लॉ का एग्जाम होता है। अगर आपको कॉमर्स के बाद लॉ करनी है बहुत इजीली, लोग कॉमर्स के बाद लॉ कर लेते हैं तो CLAT का एग्जाम हो गया आपका। CLAT भी नहीं करना है देन आप HM का पेपर दे सकते हो, बहुत कम लोग देते हैं पेपर। होटल मैनेजमेंट का अगेन वही बात होगी, बहुत कम लोग भागते हैं इस रेस में, आराम से आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी HM की, होटल मैनेजमेंट की, तो कोई कमी नहीं है यार ऑप्शंस की। एंड ऑब्वियसली आपका दिमाग खुलता है, कल को आपको खुद का लगता है कि आप वेंचर खोलना चाहते हो, देन एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत अच्छी चीज है। एंटरप्रेन्योरशिप को लोग मानते नहीं है एक जॉब क्योंकि ये सिक्योर नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है आपके पास कोई आइडिया है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, देन एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ये तो आप कहीं भी कर सकते हो, आपने कोई भी स्ट्रीम लियो, एंटरप्रेन्योरशिप की कोई स्ट्रीम नहीं है, राइट? लेकिन ऑब्वियसली आप अपना खुद का काम कर सकते हो। अगर आपका फैमिली बिजनेस है, आपको लगता है मुझे नॉलेज चाहिए रियल, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मुझे कौन सी सैलरी मिलेगी क्या होगा, मुझे नॉलेज चाहिए, देन भी कॉमर्स लो। कॉमर्स लेने के ज्यादा रीजन बनते हैं मेरे ख्याल से एज कम्पेयर टू साइंस, इसलिए मैंने भी कॉमर्स ली थी। मेरी छोटी बहन है, उसने भी आज कॉमर्स ही लिया है, वो क्लास 11th में जा रही है अब। ये चीज हो गई। देन मैंने आपको बताया ही है, ज्यादातर जो आर्ट्स लेते हैं उनके मन में होता है कि हम UPSC करेंगे। UPSC में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अगेन मुखर्जी नगर जाओ, इतने बच्चे लाइन लगा के वहां पे बैठे हुए हैं बुक्स निकाल के, कभी देखोगे खुद समझ में आ जाएगा कितना कंपटीशन है। सो ऐसी रेस में भागने में जनरली कोई फायदा होता नहीं है इतना ज्यादा, उसके अलावा तो और यहाँ पे जीतने के चांसेस है 0.1। तो फिर खुद सोचो यार, अगर तो बहुत ही दिल लगाए काम कर सकते हो देन इन चीजों में जाना, JEE में, UPSC में, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनके अलावा आपकी जिंदगी खत्म है। एंड आर्ट्स में आपको जाना है अगर आपको मन करता है कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे सिविक्स पढ़नी है, मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, देन आप ये ले सकते हो। जरूरी नहीं आपको UPSC करना है, आप लेक्चरर बनो अच्छी यूनिवर्सिटीज में। लेक्चरर एक ऐसी चीज है जो आप किसी भी फील्ड से बन सकते हो। अगर आपने सपोज IIM से, किसी अच्छे IIM से अपना MBA कंप्लीट किया, उसके बाद आपने वहीं पे अपना PhD भी कंप्लीट कर लिया, देन आपको वही IIM लेक्चररशिप भी दे सकते हैं, या कोई और IIM में आप लेक्चररशिप कर सकते हो। एंड इट इज अ वेरी ऑनरेबल जॉब, सैलरी भी अच्छी है एंड आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। सो ये सब चीजें हो गई आपकी यू नो स्ट्रीम्स के बारे में, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एंड इसलिए मुझे लगता है कि कॉमर्स आज की डेट में एक बेस्ट ऑप्शन है जिसकी तरफ आप जा सकते हो। अब यार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी आज की डेट में क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं था भाई कॉमर्स का, मैंने क्लियर करा IPM, तो मैं आ गया IIM रोहतक में। मेरे साथ और कुछ लोग थे, कुछ चले गए हैं DU के अच्छे कॉलेजेस में, जहाँ से SRCC, सेंट स्टीफन, जहाँ से वो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सुखदेव, उनकी लाइफ भी बिल्कुल सेटल है, 3 साल बाद बढ़िया जॉब लग जाएगी, कोई टेंशन नहीं है उनको। सो मैं भी ठीक हूँ, वो भी ठीक है। उसके अलावा जिनका वहाँ पे नहीं हुआ, वो शायद DU के किसी और थोड़े साउथ कैंपस के कॉलेजेस में गए हैं। सो इन टोटल कॉमर्स वाले ठीक ठाक ही कर रहे हैं, एंड कुछ गए होंगे शायद प्राइवेट कॉलेजेस में। साइंस वाले बच्चे क्या कर रहे हैं? केवल दो बच्चे जिनको मैं जानता हूँ
हो गए हैं बिट्स पिलानी या बिट्स गोवा एंड आपके आईआईटीज के अंदर। मेरे जानने में केवल दो बच्चे हैं ऐसे, बाकी जितनों का मैं जानता हूं सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ हो सकते हैं जिनके ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स आए हो तो उनको डीयू में कोई अच्छा कॉलेज मिल गया हो, उनकी लाइफ भी ठीक है, बेटर है एटलीस्ट उनसे जो कि प्राइवेट कॉलेज में बीटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो इस कैटेगरी में फॉल करना अगर साइंस ले रहे हो, या फिर ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स लाना एंड एटलीस्ट गेट अ गुड कॉलेज इन डीयू। जो आपके आर्ट्स में है वो भी डीयू में गए हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं ज्यादातर जो अच्छे कॉलेज में जिनके अच्छे मार्क्स आए थे क्लास ट्वेल्थ में, केवल वही, बाकी भी अपना कर रहे हैं यार, जैसे भी क्लैट दिया है कुछ लोगों ने, जो मतलब आर्ट्स वाले बहुत सारे क्लैट देते हैं, एचएमबी देते हैं, यहाँ भी दिए हैं यार कॉमर्स में भी। तो ये कुछ आपकी ऐसी ऐसी जैसे जैसे डिवीजन होता है, टेंथ में हम लोग भी सब साथ में थे, देन थोड़ा सा डिवीजन हो गया साइंस कॉमर्स आर्ट्स का, उसके बाद और डिवीजन हो रहा है धीरे धीरे, सब लोग थोड़े थोड़े दूर जा रहे हैं, लेकिन एट द एंड आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से। आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छी सैलरी चाहिए, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए आपको, तो ये सब यार कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको डिसाइड करनी होती हैं। मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दिया है कि क्या रहता है, मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए कॉमर्स। कॉमर्स पढ़ो, दिमाग आपका खुलेगा, नॉलेज भी अच्छी आएगी, ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, आईपीएम दो, ट्वेल्थ में अच्छे नंबर लाओ, क्लैट दो, एचएम दो, जहां में भी लगेगा यार ऑप्शन, एंड प्राइवेट कॉलेजेस भी आपके सिम्बायसिस क्राइस्ट नर्सिंग मुंजी ये सब भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं। सो कॉमर्स में यार बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है, मेरे को लगता है ज्यादा ऑप्शन ही हैं कॉमर्स में एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ देम, आपका आर्ट्स हो गया साइंस हो गया। सो ये मेरा ओपिनियन था, वर्डिक्ट नहीं था। आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, नहीं लगे तो अपने हिसाब से यार जैसे आपको करना है, आपकी लाइफ है, बिल्कुल मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसमें। एंड मैंने आपको सबका एक्सपीरियंस बताया है, एंड जिनको वीडियो अच्छी लगी अपने शेयर करना क्लास टेंथ के बच्चों में, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कोई और डाउट हो देन कमेंट करना, एंड बी सब्सक्राइब टू द चैनल, 1K होने वाले जल्दी, सो सब्सक्राइब कर देना, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।